वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास मैट्रिक, चैप्टर नंबर 5 विच इज डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। एमसीक्यू हमारे पास लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो याद रखने वाली बात है जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं उन एंगल्स को क्या कहा जाता है, वो आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं यानी एक जैसे होते हैं। लेकिन एंगल्स के लिए सेम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कॉन्ग्रेंट। If two sides of a triangle are congruent, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं, the angles opposite to these sides are also, जाहिर अगर दो साइड्स बराबर हैं, तो उनके एंगल्स भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर एंगल्स के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, congruent। Two intersecting lines cannot be dashed to a third line। जब दो lines आपस में intersect करें, suppose एक line है और दूसरी line है, तो वो तीसरी line के क्या नहीं हो सकता, parallel नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ना, या तो वो इसके पैरेलल होगा या इसके पैरेलल होगा, तीसरे के पैरेलल तो हो ही नहीं सकता। अ ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई साइड बराबर नहीं होती बच्चों, उसे कहा जाता है स्केलिन ट्रायंगल, राइट। अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड कॉन्ग्रेंट, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी क्या लिखा हुआ है सवाल, ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जरा बात को रिपीट कर देता हूं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, जिसकी दो साइड्स बराबर हो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, और जिसकी कोई साइड बराबर ना हो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्केलिन ट्राइंगल कहा जाता है। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री एंगल्स एक्यूट, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, तो कह रहे हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट हो, उसे क्या कहेंगे, तो नाम से ही अंदाजा हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, उसे एक्यूट एंगल कहा जाएगा। अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल कैसा हो, राइट एंगल, कौन सा होता है राइट एंगल, 90 डिग्री, तो अगर एक 90 डिग्री का एंगल है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो जाहिर है नाम से अंदाजा हो रहा है अगर उसमें राइट एंगल मौजूद है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। Two triangles are said to be congruent if their corresponding angles and side, दो triangles आपस में एक जैसे हैं, अगर उनके sides और angle कैसे हैं, congruent। Obviously जब side और angle बराबर है तभी तो वो triangle बराबर है आपस में। शाह जी कॉलेजेट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहमत 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकात किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजेट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है, तो फिर आएं शाहजी कॉलेजेट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजेट ब्रांच से राब्ता करें। इन राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल्स आर, जरा बनाते हैं बात समझ में आएगी। क्या आप लोगों को यह मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के सम जब करते हैं तो 180 के बराबर होगा, तीनों एंगल्स को जब सम किया जाएगा। कह रहा है राइट एंगल है, तो राइट एंगल का मतलब एक तो 90 डिग्री का हो गया। अब वो आपसे कह रहे हैं बाकी दो का क्या मामला है, तो भाई टोटल कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से मैंने 90 माइनस किया, जब 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री, यानी इसका और इसका सम जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पे टिक कर देंगे। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, अभी हमने ये पढ़ा भी था पहले एमसीक्यू में, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ट्रिकोटोमी। इन सिमिलर ट्राइंगल्स डैश आर कॉन्ग्रेंट, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर का मतलब ये हुआ साइज में बराबर नहीं है, एंगल्स बराबर, ठीक है ना, अगर साइज साइड्स भी बराबर होती, साइज भी बराबर होता तो फिर वो सेम होता ट्राइंगल, तो सिमिलर है ना, तो इसलिए इसमें एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होता है। इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी, जाहिर है दो एंगल्स को सम करेंगे तो वो हमेशा तीसरे के बड़ा ही होगा,
बशर्त यह है कि वो राइट एंगल ना हो। अगर वो राइट एंगल है तो फिर 90 और बाकी दोनों भी 90 बनेंगे। अदरवाइज हर केस में दो एंगल्स का सम, दो साइड्स का सम तीसरे के बड़ा ही होगा। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द डैश इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल साइड। सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है राइट एंगल में? राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड होती है बेटा हाइपोटेन्यूस। In an equilateral triangle, each angle is off. Equilateral triangle कैसा होता है? अभी हमने पढ़ा जिसकी तीनों sides बराबर हो। तो इसमें से अगर मैं यूं देखूं कि 90, 90, 90 के तीनों angle होंगे, तो ये तो बन जाएगा 270 angle का, तो totally 180 होता है triangle का सम। तो ये भी नहीं हो सकता, 30, 30, 30 भी 90 बन जाएगा। तो 60 को करें, 60 plus 60 plus 60 कितना हो जाएगा? 180। इसका मतलब 60 plus 60 plus 60 equilateral triangle की पहचान है। The measure of two angles of a triangle are 60 and 80. The measure of the third angle will be, एक एंगल 60 दिया हुआ है, एक 80 दिया हुआ है, तो 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 140। टोटल कितना होता है? 180। तो तीसरा एंगल कितने का बचा? 180 में 740 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। अ ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड, कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? वो कहलाता है स्केलिन ट्रायंगल, जिसकी कोई साइड बराबर ना हो। एंगल की में भी ऐसा ही था और साइड में भी ऐसा है। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ट्रेपेजोइम कैसा होता है? ट्रेपेजोइम ऐसा होता है, तो देखें ये साइड तो पैरेलल है, ये नहीं है। पैरेललोग्राम में ये साइड भी पैरेलल है और ये साइड भी पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम्स का आंसर है। समझाने के लिए बता देता हूँ, सर्किल में तो साइड ही होती और ट्राइंगल में तीन साइड होती है जो कि पैरेलल हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम। सो आसान सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था, याद रखने वाले एमसीक्यू से कुछ बातें याद रखने वाली थी, तो एक दफा फिर इसकी वीडियो देख लीजिएगा ताकि बात समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। स्टिल कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या नाम है हमारे चैनल का? शाज एजुकेशनल चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।